खराब है गया साध भी नहीं है पहला तो ये के ऊपर कलंक है दूसरा ये साधुओं के ऊपर कलंक है और जी फिर यो सब समाज के ऊपर कलंक गाँव के लोग डरे सामना आते नहीं और रजपुती समाज तो कोई इसके उसमें रही नहीं कोई नहीं रही पहला तो दब्बा है यू मारे ऊपर बाप तो गया चला बाप इन्ना खुद मारे जी, नमस्कार जी माता जी नमस्कार भाई नाम मेरा नाम है वीर माती अच्छा, जी की माता जी आप। हाँ अच्छा मैं जिस दिन पर चढ़ी थी मेरे लो इतना हुआ भी दुखी हो। ना कोई भी हो इसने दुर्न तांत्रिक विद्या सीखी इसने इसकी मां ने सारी जुलमी इसकी मां है जो जुलम करवाण्वी देवा ठाकुर की इसने अपने खाने के स्वाद में इसने इज्जत का पता नहीं करा कराया अर्जी न कहने का पता नहीं करा इसने अपना धर्म भी खोया और इसने वो भी खुद इसके पिता ने ही कहा मैंने किसी के आगे बता नहीं रखे रखी भाई तेरा मेरा धर्म है और किसी के आगे बताइए मका कर्म तो अच्छे करोगे थारा धर्म अच्छा होगा <laughs> और जो कर्म ही नहीं थारे अच्छे होंगे तो धर्म कहाँ तो बोल लेगा थारे साथ में तो करते रहो भी मैंने कोई नहीं मैं तो बस परमात्मा तो हाथ जोड़ लिए भगवान तो मुझे इस गांव में बस बसा दिया और कुछ नहीं और तो इतने सब कुछ छोड़ दिया नहीं मेरे पास कौन रोका इसने यह तांत्रिक विद्या दिन ते चला रही थी तांत्रिक कर दिया जी आपे? मेरे पे तांत्रिक पहला तो लड़का है? अच्छा भाई फिर तो बोले कोई माता की स्याण पत कर रहा वो है तो इसका पिता यहाँ महात्मा माता देख लियो यहाँ समाधि पे जाकर मंदिर में उस बाबा के दौर जाया करा था यह बोली यू तो तांत्रिक विद्या ही तो स्याण पत कर रहा मना कुछ नहीं मगर तो ऐसा कुछ ना उल्टा सीधा सी सीखिए ऊपर महात्मा सब तड़ा मन ने जो भी कुछ कहा बस उसे समझाने की कही तो उसने एक इसने बनिए ने दुकान कर रखी थी यहाँ तो पतीस्सा भी दिया बोले डांगरो घेर दिया खराब हो रहा तो इन्हने भी हाँ ये तो सियानपत कर रहा अरे इसने तांत्रिक विद्या कर दी अरे ये तो मरवावेगा मन न कुछ नहीं मैंने सब कुछ सहया इसके बाप का ब्याह हुई उस समय जी उसने इसका टिक्का ठाया उसकी बहू का टिक्का ठाकुर साड़ी में लपेट दिया साड़ी में लपेट दिया छह दिन तक जो मन अंजल कर जूला मैं ठाया होगा तीन मैं घर में ही नहीं जाती मैंने न्यारी कर रखी तो मेरे पर टिक्का कहाँ था आया तो छह सात दिन बाद में इसकी माँ को लेन आए गई तो मैं लेन आए मैं बोलने पहला यही टूटी नहीं थी बोले कोई अपन भन्ना वेंगे बी साबण और तेल दे दो तो वो अलग ही ट्रक मतलब साबण का टिका लिकड़ के उसमें मत तो गिर गया मेरी दादस इक्कट हुई दादस बोली ऊना उल्टी सीधी गाली दी बोले एक आदमी तेना कह दिन हो गए अर भूखा मार रखा इसका सराफ पड़ेगा था टिक्का तो तू खुद लियो हो बैठी तो फिर मेरी भी माई राम कदर ही थी उस मत ले के उसने टिका अर जी भी तंत्रिक विद्या चला पता नहीं भाई क्या कर रही दूर दिन का फिर

इसने यू भी करा फिर इसने इसका बाप छठे महीने पहले तो कभी कभी हो जाता अब तो उसे बुलावे थी उसे वो था खाने का लालची के पिताजी नहीं, नहीं चाचा चा, हाँ कुछ भी खाने को देवे जी कुछ उसके सिर पे ऐसी चीज चढ़ावे थी बस वहीं तो गाड़ी गुप्पड़ देता पिताजी थे कुछ खिलाती थी बस कुछ ऐसा था में बुला लेते किस तरह बुलावा तो फिर जी इसकी शादी कर लगे इसका दोनों लड़कों की शादी रुक गई बिल्कुल तुरंत टाइम तो इसका यू दुख हुआ इसके लड़के की शादी हो ना जावा तो इस ना क्या काम करा जिस टाइम हम जिसमें कर, चलो करेंगे ब्याह मजबूत थे में पिछले तो हटे नहीं तो इस ना हम न्याह करेंगे तो जिस टाइम थनो फिर कर गांव के चेरा फिर आया नहीं तो उसे मंदिर में गंडासी देकर बैठा रखा था पूछ बैठा कौन बैठा ये था इसका

बता था। था। जी पहला तो डब्बा है बाप तो गया चला बाप इन्ना खुद मारे मारा जीना। हाँ क्यों मैं किसी की कही नहीं कहती वो किस तरह मारे जी ये वो सा लेका इसकी माँ बाप का गई अपने साधी थी माँ तो वो खूब पिटवाया खूब पिटवाया हुई साधवी जी के जो पिता है लेकर लेकर गई, और पिटवाया पिटवाया, खूब पिटवाया तो वो रात को तड़प कर उसमें भाई मुझे मारेंगे और मुझे वहां जाकर मरवा तो यहाँ जी अपने पिताजी को क्यों मरवाएगी बताऊंगी या तांत्रिक विद्या इसी कारण चला बेटा बाप मार जा तो वो बेटा कर रहा और बाप बेटे को मार रहा तो तांत्रिक विद्या तांत्रिक विद्या मन न तो ही पता लगा इसका है ही नहीं अच्छा तो भाई फिर इसने क्या काम करा तो वो रात को बीड़ी लेना आया यहाँ से या तो आई अगले दिन गाडी में लै पूछ जाकर और रात को आकर पड़ गया अगले दिन उसका बाप बीड़ी लेना आया यू गल डेम रहता है यू यहाँ था नहीं उसने तो बोला आख मुझे बीड़ी दे दो बीड़ी दे दी मंडल का मंडल बोला भाई तू क्या पीवेगा आगे मेरे मन ने बक्सा ले रखा मैं घर तक ले लियाँ मंडल वो मंडल लेना आया मैं पड़ी थी मैंने खड़ी होकर उसे मंडल दिया तो मैंने रोने की आवाज़ आई बैठक मैं बस मैं बोली मैं कहा मैंने कभी किसी की बात नहीं सुनी तो यह झांकी थी बैठक थी नूह कर कहा जैसा मैं बैठी वो बैठा तो उसने दिखाया उसकी यह टांग यहाँ तय यहाँ तो सारे को लिली और ये भी ये भी है समझाया भाई मरने की वो उसकी जरूरत नहीं है और कोई बात नहीं तो संसार अभी जैसा कर रहे करे हाँ जेठ लगा था मेरा तो सुखबीर सुखबीर जी, जी का नाम हाँ, सुखबीर है हाँ तो भाई फिर उसने इन वो कर लिया उन बीड़ी देकर रोया खूब रोया मन ने कहा मका ये भगवान तेना दादी बाबा होगी तो दुर्गति इन पर करवाई थी जो जिन्होंने कहती है हमें ही माल दे और हम सब कुछ करेंगे तेरा इसकी देवा के ठाकुर के माँ मुझे नुक कर रही थी नुको हत्ती का पलाना तो हत्ती उठा है ऐसी ऐसी कमी नहीं क्या कर लेगी जिसने कुछ देखा नहीं है तो बाबा जिस टाइम सब कुछ उस पता ले लिया कबू करके सड़कों सड़क जाता मेरा पिता सरा उस लस तली वाली सड़क पर था मुझे शर्म आई देखो हम तीन बेटे हैं इसका क्या कहेगा हमें संसार उसने तो काट दिया तो वो यहाँ बैठा जैसा मेरे पर पुख गया मैंने उसका करा पाँच महीने दादी टांग टूटी पड़ी रही देवर ठाकुर की ए बसंत पंचमी को टांग टूटी थी उस लेकर और म गई अच्छा उसके भाई ने भी त्रराज कराया तुझे तो पानी का गिलास भी नहीं पीने देती यार मैं बोले चाचा इसका दोष नहीं है मैं तो मैं मोड़सरे की जगह नहीं मानती तब मेरे गुआंडी हो मैं चाचा कहूँ था मैं और इसका दोष नहीं है या कब हो मैं मत जी एक बार बताओ आप जी हाँ? से आपको क्या परेशानी आपको कैसे परेशानी अब बताओ भाई हम तो बिल्कुल बंदूक की नोक पर रख रखे साधु हाँ। आपके, हाँ। रख आप, रखा रखा आर... आपके साथ यू देना पड़ा है बरोबर भाई का हिस्सा ना तो हिस्सा पूरा दे रखा हिस्सा आपका हिस्सा भी दाब रखा रस्ता भी कई भी आज घर की जगह देख लो क्या जगह पड़ी है और उनकी जगह माप लो मतलब आप हूँ, ये कहना चाहते हो माताजी जी की हाँ। देवा ठाकुर जी ने आपकी जमीन ज्यादा दाबर की है बहुत कुछ जिस बाईस साल तक तो एक भी खूड नहीं दिया जब मेरा ससुर मर गया जब मुझे सवा किला जमीन का दिया अच्छा मेरे तो तो सब कुछ सब कुछ छीन का बस क्या क्या बताऊं मेरी कथा तो आपने केस खास नहीं करे भाई बीमारी जो जमीन है दो केस में यह पुलिस की वो बन रही के? पुलिस वाले आवे दलाल है एक किसम के हाँ। दलाल है पुलिस, पुलिस की दलाल है जो जरा तो सा दलाल, दलाल मैं लोगों का आशीर्वाद घोर है। है। नरक में ले जागी इस बात को आज लिख कर ले जाओ लोग क्यों जाएंगे उनके पास जाते मैं भाई तांत्रिक विद्या कर रही महात्मा ने मेरे तो यह कहा था कि बेटी तेरी गिल्लो न्याय हो रहा ना एक दिन तेरे सामना आएगा यू उसका श्राप है जो ये साधु नहीं है पहला तो रजपुत्री के ऊपर कलंक है दूसरा साधुओं के ऊपर कलंक है और जी फिर यू सब समाज के ऊपर कलंक है चौड़े होंगे तो ये तो अपनी वर्दी का दाग लगावेंगे और जो ये भगवान के नाम का चौड़ा पैर रखा है इनने इसका दाग लगा दिया यह इसका देखो खुद भोग गया बस मैं तो यही कह सकता हूँ गाँव के लोगों का क्या रुझान है साधु गाँव के लोग डरे सामने आते नहीं और रजपूती समाज तो कोई इसके उसमें रही नहीं कोई नहीं रही हम तो बिल्कुल ऐसे कर दिए हो गए हम धक्के खाते फिर है। डर है इनकर, है। है? देवर है। किसी बस डर देखो मरना तो है एक आ, दिन हम ना मरना है एक दिन फिर हम नुका हमें इसका चरित्र का नु पता ना लगा भाई इसका क्या चरित्र हो रहा है ये हम तो कहा परमात्मा तू ईसा कहीं से ऐसे करिय मं खो ना दिखाई

फिर उसे इन्हों ने से क्या करे बा, खूब पी कर था तो जिस टाइम हमने मुंह तो जैसे बिजली गिरा ना का खड़े हुआ और मैं था वो तो फांसी सती ने नहीं लेने दी इसने यार घर में तेरे पितरों की ईंट दरी थी तो बच गए नहीं वहां फांसी लेता लेता हम इस चीज तीता हम वह भाई उसका 24 घंटे का मतलब यही काम है कि किसी के साथ पंगा लेवे और अपना भाई आय का साधन बनावे इसी चक्कर में मतलब वो तो उस उस कमाई का काम चला रही और मैं भाई एक गरीब आदमी हूं अपने भाई खेत में अपनी मेहनत करके पशुओं का कर का जब अपने परिवार का पालन पोषण करया मेरे को वो इस चीज से भी मतलब वो संतुष्ट नहीं है भाई वो कर खालाने तो ले मेरे को कम से कम इससे में तो करके खालाने दे वो इससे भी संतुष्ट नहीं वो सोच रही भाई इसका नाश करके किसी तरह और वो तो सारा मतलब वो सारा सामान तोड़ अपले ज़मीन आपके साथ क्यों क्या आप बस यही है उसके पास ही कुछ नहीं और और नहीं। ये बताओ हम तीन में जितना कर रहे खा रहे हैं मैं अपने बच्चों का गुजारा बड़ी मुश्किल से कर रहा हूँ तीन किलो में तो तीन ही सितार मैं अकेला में किस तरह है और ये सोच रहे जो इसके पास बचा है ये भी

आखिरी मैं मैं ही बोली फिर मैं बोली थारा दिमाग खराब हो गया उस दस दिन तो मेरा तो रोना कुछ नहीं है नहीं। मेरा बच्चे है रोन वाले आ, कम से कम उसकी बाणों को तो रो लेने दो उसका माँ का पेट है जब पुलिस वाले गए भी नहीं होने दी थी मेरे बाप की जब भी मेरे पास मेरे ऊपर झूठा केस कर दिया था झूठा हो गया भाई ये तो मेरे खेत में प्लस नहीं होने देता मैं खड़ी थी भाई मेरी गेहूँ खड़ी थी माँ भी मेरी गेहूँ कट जाने दो ठीक है जैसे अभी समाज या पंचायत कहेगी